सांसदों का निलंबन एवं मिमिक्री कांड को लेकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इंदौर में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने शहर के रीगल तिराहे पर मौन धरना देते हुए इस घटना की निंदा की और भाजपा नेताओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेसियों के हाथ में तख्तियां भी थीं, जिन पर लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के स्लोगन लिखे हुए थे। इस प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं का कहना था कि विपक्षी दलों के सांसद के द्वारा संसद में सवाल पूछने या जनता की आवाज उठाने पर उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाता है, साथ ही उनका निलंबन भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया है। उसी के विरोध में आज देश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने साफ किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह जनता की आवाज दबाती रही तो हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 145 सांसदों का जो निलंबन संसदीय प्रक्रिया से करा गया है, ये अवैधानिक है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बयान नहीं देते हैं और इस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संसदों का निलंबन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरे विपक्ष आज पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन और मौन धरने के माध्यम से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर आज शहर व जिला कांग्रेस कमेटी गांधी जी के समक्ष बैठकर ये उनके चरणों में बैठ के ये प्रार्थना करती है कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि मिले और इस देश में लोकतंत्र कायम रहे, इसी की मांग को लेकर हम लोग आज मौन धरने पर बैठे। इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए सभी कांग्रेसियों ने विरोध स्वरूप अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी हुई थी।